साई की बात। बच्चे लो हाथ पकड़ लो मेरा, अपने साई का हाथ पकड़ लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर एक चीज़ से छुटकारा दिला दूंगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे परेशानियां हैं ना मेरे बच्चे, उन सब से तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी तुम जिन चीज़ों में भी फंसे हुए हो ना अभी, तो बस उन सभी से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे, सबसे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मेरे दर्शन को बहुत आतुर हैं, उन्हें मेरे दर्शन चाहिए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मैं दर्शन अवश्य दूंगा मेरे बच्चे, अवश्य दूंगा। और सुनो, जो तुम्हें तीव्र उत्कंठा हुई है ना मेरे दर्शन की मेरे बच्चे, तो वो यूं ही नहीं होती मेरे बच्चे। जब तुम्हारी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है ना, तब मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार, मेरे लिए प्रेम जागृत होता है मेरे बच्चे। मेरे दर्शन को तुम व्याकुल रहते हो मेरे दर्शन पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरे चरण स्पर्श करते हैं, और कुछ मेरे बच्चे मुझे देखकर, मुझे निहार करना अपने नेत्रों को तृप्त करते हैं मेरे बच्चे। तो हर किसी की अलग अलग भावनाएं हैं, हर किसी की अलग अलग तरह की मेरे लिए सेवा है, अलग अलग प्यार है, अलग अलग प्रेम है। और मैं अपने हर बच्चे का प्यार स्वीकार करता हूँ, वो जिस भी तरीके से मुझे पूजा करता है, मुझे आराधता है ना, मैं उसी तरह से उसे अपना लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय पहले अपने साईं को वचन दिया था मेरे बच्चे, कुछ पूरा करने का, कुछ प्रतिज्ञा ली थी मेरे बच्चे, और उन सब चीज़ों में पूरा करने में बहुत विलम्ब हो चुका है मेरे बच्चे, और विलम्ब सही नहीं है मेरे बच्चे। जो तुमने मुझे वचन दिया था उसे पूरा कर दो मेरे बच्चे, उसे पूरा कर दो। और सुनो, जो ये लक्ष्मी है ना, जो ये पैसा है मेरे बच्चे, ये हमेशा ये संपत्ति, ये चंचल है मेरे बच्चे, ये आता सबके पास में है लेकिन टिकता किसी के पास नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ये टिकता उसी के पास है जो लक्ष्मी का आदर सम्मान करता है, जो उसका सदउपयोग करता है मेरे बच्चे। बस उसी के पास में लक्ष्मी टिकती है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस शरीर पर कुछ लोग बहुत घमंड करते हैं ना, बहुत घमंड करते हैं अपने सौंदर्य पर, और तुम्हें हमेशा उल्टा सीधा कहते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो तुमसे शरीर में कितने सुंदर हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, ये शरीर नाश वाशन है मेरे बच्चे। तो तुम ना इन सब चीज़ों पर गौर मत किया करो, और जिसे घमंड है ना उसे करने दो, उसका घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा और फिर उसे समझ में आएगा। क्योंकि हर जगह ना सौंदर्य काम नहीं आता, बहुत सारी जगह समझदारी और गुण काम आते हैं, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरे हैं, जो मैंने तुम्हें दिया है, जिन गुणों से मैंने तुम्हें नवाजा है मेरे बच्चे, वो गुण हैं तुम्हारे अंदर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। जिन लोगों के अंदर घमंड है, अहंकार है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हें खुश देकर सुखी नहीं रहते ना, तो मेरे बच्चे वो लोग ना दया के पात्र हैं मेरे बच्चे, वो दया के पात्र हैं, उन्हें जाने दिया करो मेरे बच्चे। उनकी बातों को तवज्जो बिल्कुल मत दिया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत दिया करो, क्योंकि उन्हें देख कर ना तुम दुखित होते हो, तो बिल्कुल मत हुआ करो, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि तुम उनसे अपनी तुलना करो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत नहीं, हमेशा दया होनी चाहिए मेरे बच्चे, वो दया के पात्र हैं, जाने दो उन्हें, वो लोग ना समझ है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे ना उनके साथ उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, उनके कर्मों की वजह से मेरे बच्चे वो हमेशा दुखी रहते हैं, और वो दुखी होने के कारण ना जैसे वो खुद कष्ट में है ना, वो दूसरों को भी कष्ट ही देना चाहते हैं। लेकिन तुम ध्यान मत दो, तुम आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपना देखना है। अगर किसी की बुद्धि, किसी की सोच से चलोगे ना, तो हमेशा उल्टा ही काम होगा। और मैं तुम्हें वैसा ही दर्शाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि ऐसे लोगों की बातों में मत आओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो तो ना दलदल में फंसे हुए हैं, वो दुखी हैं अंदर से, परेशान हैं, और वो तुम्हें भी दुखी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो ना मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास भी मत लो, ऐसे लोगों पर ध्यान ही मत दिया करो कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें तवज्जो बिल्कुल मत दिया करो, क्योंकि तुम ना बहुत पवित्र आत्मा हो। लेकिन ना तुम कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, और ना बुरा मनाओ मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई सोचा करो, अच्छाई को स्वीकार किया करो मेरे बच्चे। अगर सामने वाले के अंदर कुछ अच्छाई भी है ना, तो उसे
उसकी अच्छाई के साथ भी स्वीकार करो। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर कुछ बुराइयाँ भी हैं, लेकिन उसकी बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी हैं ना मेरे बच्चे, तो उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे और जाने दो। तुम ना बस अच्छा सोचो और अच्छा करो। जिसने तुम्हें रुलाया है ना, मैं जानता हूँ तुमने अर्जी लगाई थी मेरे आगे कि साईं जैसा उसने तुम्हें रुलाया है वैसा ही तुम उसे भी एहसास कराना चाहते थे उस दर्द का। तो सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे कह देते हो ना कि साईं मुझे न्याय दिलवाओ, तो मैं न्याय करता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन सभी को ना, सबको कर्मों के जैसा ही फल मिलता है। अगर वो सही करेगा तो उसे उसका फल तो मैं दूंगा ही ना मेरे बच्चे। मैं उससे पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैं कर्म विधाता हूँ मेरे बच्चे। तुम जिसके लिए बुरा मांग रहे हो ना, जिसके लिए गलत कह रहे हो ना, उसके लिए गलत मत कहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इससे अपने कर्म खराब कर रहे हो मेरे बच्चे। क्योंकि जो वो जैसे कर्म करेगा उसका फल तो मुझे देना ही पड़ेगा ना मेरे बच्चे। और रही चीज़ों की बात, तो जब तुम मुझसे न्याय के लिए कहते हो ना, तो मैं उसी वक्त न्याय कर देता हूँ। इतना तो विश्वास रखो ना अपने साईं पर, इतना भरोसा रखो मेरे बच्चे कि अगर न्याय की बात आती है ना, तो मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता, चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो मेरे बच्चे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और सुनो, तुम धन्य धान्य से ना परिपूर्ण रहोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे को कभी भी धन्य धान की कमी नहीं आती, कभी नहीं आती मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मंदिर में तुम्हें बुज़ुर्ग मिला था ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास आया था, वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही था जो तुम्हें एहसास भी हुआ था मेरे होने का। फिर तुम असमंजस में थे कि शायद मैं हूँ भी या नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मैं ही था, तुम्हारा साईं था जो तुम्हारे पास आया था मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे चौखट पर कोई प्यासा आ जाए मेरे बच्चे, तो उसे बिना पानी पिलाए जाने मत देना मेरे बच्चे। उसे पानी ज़रूर पिलाना मेरे बच्चे। किसी की प्यास बुझाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम मुझे देते हो ना, चाहे वो दक्षिणा हो या प्यार हो, कुछ भी मेरे बच्चे, उसका दुगना चौगना कर कर मैं तुम्हें लौटाता हूँ मेरे बच्चे, उसका दुगना लौटाता हूँ। तुम मेरे बच्चों को अगर कुछ सेवा में देते हो ना, कुछ दान पुण्य भी करते हो, तो भी उसका मैं दुगना तुम्हारे पास लौटाता हूँ। तुम्हारा घर भर देता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में और तुम्हारे कारोबार में कभी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जिनके साथ तुम करते हो ना, उनकी दुआएँ हमेशा तुम्हारे लिए होती हैं, हमेशा। और वो दुआएँ बहुत जल्दी लग जाती हैं तुम्हें। तुम्हारा घर फलता फूलता है मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि अगर तुम किसी के चेहरे पर खुशी लाते हो ना, तो बस ये समझ लो कि तुम अपने साईं को खुशी दे रहे हो। तुम अपने साईं के चेहरे पर खुशी लाते हो उनके लिए कर कर, बस यही प्यार बनाए रखना मेरे बच्चे, और इसी तरीके से सेवा करते रहना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कष्ट निवारण मंत्र ना रोज़ पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। पहले तुम पढ़ते थे, लेकिन अब बीच में तुम्हारा छूटने लगा है किसी वजह से, लेकिन छोड़ो मत मेरे बच्चे, रोज़ पढ़ो, रोज़ मेरे बच्चे प्रतिदिन पढ़ो। इससे तुम्हारे बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे मेरे बच्चे, ख़त्म हो जाएंगे, और तुम देखना तुम्हारे घर में खुशहाली होगी, तुम्हारे घर में शांति होगी मेरे बच्चे, और नकारात्मक ऊर्जा भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर रहेगी मेरे बच्चे, बहुत दूर रहेगी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।